हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ कंचन ठाकरे, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खाना खजाना में, जिसमें आज मैं गाजर के हलवे की रेसिपी देने जा रही हूँ, जो सर्दियों में काफ़ी पसंद किया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। चलिए हम बनाते हैं गाजर का हलवा। ये 1 kg गाजर है जैसे कद्दूकस कर लिया है, 1 लीटर दूध है जैसे बॉईल होने के लिए रख दिया गया है, 100 ग्राम शुद्ध घी है, 150 ग्राम मावा है जिसमें, और काजू, किशमिश, बादाम और इलायची और शक्कर। सबसे पहले हम घी को कढ़ाई में डालेंगे। घी गरम हो जाए उसके बाद गाजर को डालना है इसमें। ये हमारे घी अच्छे तरीके से गरम हो गया, अब इसमें हम कद्दू कस किया हुआ गाजर डालेंगे। और इसको धीरे धीरे चलाएंगे। घी में भूनने के बाद गाजर का कलर बदलता जाएगा। इसको कम से कम 5 मिनट घी में भूनना है। ये हमारा गाजर भून चुका है 5 मिनट। अब इसमें हम दूध को ऐड करेंगे जो पहले से हमने बॉईल कर लिया है। दूध को अच्छी तरीके से बॉईल कर लेना है कि दूध गाढ़ा हो जाए, जिससे आपका टाइम बचेगा। अब इस दूध को गाजर में मिक्स करना है। दूध को और गाजर को जब तक के पकाना है, जब तक के ये दूध पूरा सूख नहीं जाए गाजर में और अपना कलर बदल देगा ये गाजर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूध और गाजर पूरी तरह से पक चुका है और दूध देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो चुका है। अब हम इलायची को डालेंगे इसमें। इलायची के दाने निकाल लिए गए हैं, ये कम से कम 5 से 6 इलायची हैं। और अब हम इसमें शक्कर भी ऐड करने वाले हैं। शक्कर कम से कम 1 kg गाजर में 200 ग्राम। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, शक्कर डालने के बाद शक्कर ने पानी छोड़ दिया है तो हलवा पतला हो गया है। तो अब इसको जब तक के चलाना है और कंटिन्यू चलाते रहना है बीच बीच में, नहीं तो हलवा आपका नीचे से लग जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हलवा पूरी तरह से पक चुका है, शुगर दूध सभी सूख गया है इसमें। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। पहले काजू, बादाम और किशमिश। हमारा हलवा बनकर तैयार है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और मावा ऐड करना है, वो हम 5 मिनट बाद करेंगे। अगर अभी कर देते हैं तो मावा पूरा गल जाएगा, तो थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मावा ऐड किया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं हलवा कंप्लीट हो गया है, बनकर तैयार हो गया है, ठंडा हो गया है। अब ठंडा होने के बाद हम इसमें मावा मिक्स करेंगे। मावा को अपने हाथ से थोड़ा सा मैश कर लीजिए। अब इस मावे को अच्छी तरह से मिलाइए हलवे में। ठंडा करके इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि मावा पूरी तरह से गल नहीं जाए। हलवे से बहुत ही प्यारी मीठी मीठी खुशबू आ रही है। ये हमारा हलवा बनकर तैयार है। इसकी गार्निशिंग कर दी गई है थोड़े से ड्राई फ्रूट से।